अगर आप इस चीज को 24 आवर्स करते हैं, सिर्फ 24 आवर्स, यू विल सी अ मैग्निफिशेंट चेंज, शिफ्ट इन योर मैनिफेस्टेशन पावर, एंड कितनी ज्यादा मैजिकल तरीके से यू विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, स्टार्ट अट्रैक्टिंग थिंग्स दैट यू वॉन्ट इन जस्ट 24 आवर्स. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. Hello and big warm welcome, and especially all those who are coming here for the first time. This is Priyanka Abhijeet. Welcome to new episode of 360 Degrees Happiness. तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, सो दैट यू डू नॉट मिस एनी नोटिफिकेशन ऑफ एनी न्यू वीडियो रिलीज एंड डू नॉट मिस एनी चांस ऑफ मेकिंग योर लाइफ मैजिकल. सो क्या ऐसी एक चीज हम कर सकते हैं जिससे आपकी पूरी ये मैनिफेस्टेशन जर्नी जो है कम्प्लीटली टर्न अराउंड हो सकती है. सिर्फ 24 आवर्स में आप एक मैजिकल शिफ्ट जो है वो नोटिस कर सकते हैं. नाउ सो मेनी ऑफ यू हु हैव बीन फॉलोइंग अस अंडरस्टैंड द पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इट वर्क्स ऑल द टाइम एंड बाय यूजिंग दिस यू कैन मैनिफेस्ट एनी डिजायर्स. आप अपनी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ को अपनी ड्रीम लाइफ बना सकते हैं. लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब आप जो हैं आप अपनी लाइफ में वही अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप जो चाह रहे हैं आप वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं करते, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, लेकिन आप जो हैं आप वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं. मतलब जहां पे आपका फोकस जाता है, वेयर योर फोकस गोज इट ग्रोज. सो जहां पे आपका फोकस है आप अपनी लाइफ में वो अट्रैक्ट कर रहे हैं. लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाइब्रेशंस एनर्जी के प्रिंसिपल में काम करता है कि हम कॉन्स्टेंटली यूनिवर्स के साथ एक लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, वो लैंग्वेज है वाइब्रेशंस की. यूनिवर्स हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी सारे लैंग्वेजेस नहीं समझता. यूनिवर्स को अगर एक लैंग्वेज समझ में आती है वो है वाइब्रेशंस, वो है एनर्जी की. और इस यूनिवर्स में हर एक वो चीज है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं. आप एक बेबी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एक ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एक ड्रीम कार हो, ड्रीम हाउस हो, आप एक ब्यूटीफुल लाइफ चाहते हैं, एक ब्यूटीफुल सोलमेट लाइफ पार्टनर चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हर एक चीज इस यूनिवर्स में आपके पास है. आपको उस यूनिवर्स से उस वाइब्रेशंस में उस एनर्जी लेवल पे बात करनी है एंड दैट्स इट. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. पर अगर ये प्रिंसिपल इतना ही इजी है तो क्यों हम अपनी लाइफ में जो हम चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट नहीं कर सकते. बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि हम बहुत स्पिरिचुअल हैं, हम बहुत ज्यादा प्रेयर्स करते हैं, हम सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, पर फिर भी इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर मी. आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, आई वर्क वेरी हार्ड, आई एम अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी को हर्ट नहीं किया, फिर भी मेरी लाइफ में इतना पेन क्यों है, फिर भी मैं अपनी लाइफ में अपने डिजायर्स को क्यों मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ. अगर आप अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप लोगों के साथ अच्छे हैं, आप पूरा हार्डवर्क के साथ काम कर रहे हैं, फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, तो आपको ये एक चीज पे ध्यान करना है. इसको आप 24 आवर्स करिए और देखिए कि कैसे आप एक अमेजिंग शिफ्ट अपने अंदर पाएंगे और कितने जल्दी आपके मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो पूरे होते चले जाएंगे. ये बहुत ही कॉमन थिंकिंग है कि अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है. आपको अगर ऐसा फील हो रहा है तो आपको सिर्फ 24 आवर्स ये करना है और देखना है कि आप जो है सबकॉन्शियसली जाने अनजाने आपका फोकस किस चीज पे है. बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन मूड में रहते हैं, या मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मुझे प्रमोशन नहीं मिला, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मुझे राइज नहीं मिला, मैंने इतने ऑनेस्टी के साथ काम किया फिर भी किसी ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया. आप सब कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में अच्छा, लेकिन आप कंप्लेन मोड में हैं, आप कंप्लेन कर रहे हैं, आप या तो भगवान से कंप्लेन कर रहे हैं, आप जब अकेले बैठे तो खुद से कंप्लेन कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से, अपने पार्टनर से, आप कंप्लेन कर रहे हैं कि मैं सब कुछ लाइफ में अच्छा कर रही हूँ फिर भी, मैं अपने सारा कर्म कर रही हूँ फिर भी मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है. तो अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं, आप कंप्लेन मोड की एनर्जी वाइब्रेशन में ट्यून्ड है और यूनिवर्स आपको और ज्यादा मौके दे रहा है कंप्लेन करने के, क्योंकि
लाइक अट्रैक्ट्स लाइट, हमारा जिस पे फोकस है हम वही लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपका फोकस कंप्लेन में है, आप बाकी सारे काम कर रहे हैं लेकिन अगर आप कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन मोड में हैं, तो यूनिवर्स आपको और ज़्यादा मौके दे रहा है कंप्लेन करने के, क्योंकि आप उस एनर्जी में ट्यून्ड हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, 24 आवर्स आपको नो कंप्लेन मोड में रहना है, बिल्कुल कंप्लेन नहीं करना है, ना खुद से, ना भगवान से, ना अकेले बैठे हैं तब, ना अपने फ्रेंड से, किसी से भी नहीं, बिल्कुल कंप्लेन नहीं करना है। आपको कॉन्शियस एफर्ट डालना है कि आपको कंप्लेन नहीं करना है, और 24 आवर्स आपकी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, सिर्फ बहुत कुछ हमारी लाइफ में अच्छा हो रहा है जिसको हम नोटिस नहीं करते हैं, जो कुछ भी आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है आपको उसके लिए थैंक यू बोलना है, ग्रेटफुल रहना है। तो कंप्लेन मोड से आपको शिफ्ट करना है एक ग्रेटफुल मोड में। 24 आवर्स इस चैलेंज को करके देखे एंड यू विल सी अ मैजिकल शिफ्ट इन योर माइंडसेट। आप कंप्लेन मोड, जो एक लो एनर्जी है, उससे सडनली आप अपना शिफ्ट पाएंगे एक ग्रैटिट्यूड मोड में, जो कि हाईएस्ट वाइब्रेशन एनर्जी है। एंड आप देखेंगे जो आपके इतने दिन से मैनिफेस्टेशन अटके हुए थे वो कैसे मैजिक के जैसे पूरे हो जाएंगे। इस चैलेंज को करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नो कंप्लेन मोड, टेक दिस चैलेंज ओनली फॉर 24 आवर्स, कंप्लेन नहीं करना है और हर एक अच्छी चीज के लिए ग्रेटफुल होना है। कंप्लेन मोड से ग्रेटिट्यूड की जो ये हम वाइब्रेशन जब ये शिफ्ट करते हैं, आपकी लाइफ में मैजिक होना शुरू हो जाता है। यू विल नॉट नो एंड हाउ योर डिजायर्स विल स्टार्ट टू कम ट्रू, चीजें आपकी जो रुकी हुई थी, अटकी हुई थी, वो सारी पूरी होना शुरू हो जाएंगी। डू दिस फॉर 24 आवर्स और मुझे जरूर बताएं कि आपको कितने मैजिकल रिजल्ट्स मिले। अगर इस 24 आवर्स में कहीं पर भी आपको एक कंप्लेन करने का कोई मौका मिलता है, समथिंग डज नॉट गो द वे यू वांटेड टू गो, तो सिर्फ एक डीप ब्रेथ ले, उसको लेट गो कर दे, या फिर उसी टाइम अपना फोकस फौरन शिफ्ट करें ऑन समथिंग विच इज गोइंग राइट, या 24 आवर्स में ऐसी क्या चीज है जो सही हो रही है, या क्या ऐसी चीज है जिसको आप चाहते हैं कि सही हो जाए और ऑलरेडी अज्यूम करें कि वो सही हो गई है और उसके लिए थैंक यू बोले। बस ये प्रैक्टिस करनी है कंप्लेन मोड से ग्रेटिट्यूड मोड में शिफ्ट करने के लिए, और देखिए कितने आपको मैजिक रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। आपकी लाइफ में कुछ भी अगर आज 24 आवर्स में भी बुरा होता है, तो फिर भी कॉन्शियस एफर्ट करना है कि कंप्लेन नहीं करना है, नेगेटिविटी के साथ ट्यून इन नहीं रहना है, नेगेटिविटी का कंप्लेन का सिग्नल नहीं देना है यूनिवर्स को, इसकी वाइब्रेशन में हमें ट्यून नहीं होना है, हमें सिर्फ ग्रेटफुल रहना है, ग्रेटफुल रहने का ये एफर्ट डालना है। तो 24 आवर्स नो कंप्लेन मोड चैलेंज लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे जरूर बताइए आपको कितने मैजिकल रिजल्ट्स मिले। किसी एक कोई वीडियो जरूर शेयर करें जिसको शायद इसकी आज जरूरत है, मुझे सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, शेयर कमेंट लाइक करना ना भूलें, और जरूर हमारा वेबसाइट चेक करें जहां पे आपको ऐसे बहुत सारे टूल्स रिसोर्सेज मिलेंगे, सो दैट यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग लाइफ ऑफ योर डिजायर्स। जरूर करें और मुझे बताएं कि आपको कितने मैजिकल रिजल्ट्स मिले। टिल वी मीट नेक्स्ट, दिस इज प्रियंका अभिजीत साइनिंग ऑफ, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।